हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्भरदारुणं बिम्बफलधरोष्ठां पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदेसाङ्गपक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरा सुरगा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासुदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की ईश्वर है। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 11। आज हम भगवान के यज्ञ अवतार के विषय में पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 12। ततः सप्तम आकुत्या रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाद्यै सुरगाय अपास्वायम्भुवान्तरम् ततः सप्तम आकुत्याम् रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाध्याय सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् ततः सप्तम आकुत्या रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाध्याय सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् ततः सप्तम आकुत्या रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाध्याय सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् ततः सप्तम आकुत्या रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाध्याय सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् ततः सप्तम आकुत्याम् 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 रुचिर्यज्ञोघजायत सयामाध्याय सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् शब्दों का अर्थ देखेंगे। ततः सप्तम आकुत्याम् रुचिर्यज्ञोघजायत पहले लाइन में बताया है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए थे। ततः यानी तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब छठा अवतार बता लिया कौन सा था, अत्रि मुनि और देवी अनुसुईया के घर से प्रकट हुए दत्तात्रेय भगवान हमने कल पढ़े थे। उसके पश्चात यानी उसके पश्चात जो सेकंड सातवां अवतार हुआ वो कौन सा था, ततः सप्तम आकुत्याम। तत्पश्चात सातवां आकुत्याम मतलब आकुति के घर से रुचिर यज्ञो भेजाए थे। रुचि मतलब प्रजापति रुचि के द्वारा, मतलब आकुति उनकी माता का नाम और रुचि उनके पिता का नाम, और पुत्र का नाम क्या है जो भगवान के अवतार है, यज्ञोघजायत। यज्ञो मतलब यज्ञ रूप में भगवान का अवतार हुआ। अज्ञजायत मतलब अवतार हुआ। सयामाध्याय, स मतलब वह, यामाध्याय मतलब यम इत्यादि से, सुरगणे यानी देवताओं के द्वारा, अपात यानी शासित, स्वयंभुवंतरम यानी स्वयंभु मनु का काल परिवर्तन, यानी मनवंत्र जब एक मनवंत्र चेंज हुआ था उस समय भगवान ने यज्ञ का अवतार लिया था देवताओं के साथ शासन करने के लिए, देवताओं पर शासन करने के लिए। अनुवाद देखिए, सातवें अवतार
प्रजापति ऋषि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं भुवा मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत ही पुण्य जीवों को प्रदान किए जाते हैं। यानी हर किसी का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई पुण्य नहीं हो और उसको देवता बना दिया जाए। उसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद जो देवता बनते हैं ना जैसे इंद्र चंद्र वरुण और ये सब, तो उनके लिए अत्यंत ही पुण्य जीव प्रदान किए जाते हैं। जो बहुत ज्यादा उनके लिए एक विशेष गुण होना चाहिए, उनके अंदर विशेष पुण्य विधि उन्होंने की हो, उसके बाद ही उसको इंद्र बनाया जाता है या फिर ब्रह्मा या फिर अलग अलग देवी देवता। जब ऐसी पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतार धारण करके शासन भार संभालते हैं। नहीं कभी कभी ऐसा हो कि जीवों में से किसी के अंदर इतने पुण्य नहीं। अब पुण्य कितने होने चाहिए, जैसे अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इस योग्य हो जाता है, निर्विघ्नता पूर्वक एकदम परफेक्ट यजमान परफेक्ट हो, श्रद्धा हो और जो भी यज्ञ सामग्री हो वो एकदम परफेक्ट हर चीज अच्छे तरीके से हो, वो इतने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद किसी के अंदर ये क्वालिफिकेशन आ जाती है, वो इस अधिकार प्राप्त करता है कि वो ब्रह्मा और वो इंद्र बने। ठीक है, और ब्रह्मा बनने के लिए क्या है क्वालिफिकेशन चाहिए कि 100 जन्मों तक यदि उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया हो, एकदम परफेक्ट ही 100 जन्म तक यदि कोई जीव वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो इस योग्य बन जाता है कि वो ब्रह्मा बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इतना योग्य नहीं बन सकता है। कभी ऐसा होता है कि कोई भी इतना कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जब ऐसी पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं फिर क्या होता है, भगवान स्वयं प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतार धारण करके शासन भार संभालते हैं। स्वयं हुआ मनु यानी आधुनिक युग के वैवस्वत मनु का है। अब आधुनिक वैवस्वत मनु है वो सातवां है, लेकिन स्टार्ट का कौन सा था, स्वयं मनु। तो उसके काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव ना था जो इंद्रलोक की राजा इंद्र पद ग्रहण कर सकता। यानी कि अब उस टाइम पर जब स्वयं मनु था ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखो आपा स्वयंभुवंतरम, कि जब स्वयंभु मनु के काल में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो इंद्र बने, अब क्या किया जाए, तो उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए थे। फिर अब कोई नहीं था तो भगवान को अपना कार्यभार तो संभालना है, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं एक अवतार लेकर इंद्र बन जाता हूँ। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। फिर उनके पुत्र भी हुए, उनके 12 पुत्र हुए और फिर इस तरह से उन्होंने देवताओं की सहायता, अब बहुत सारे देवी देवताओं की वो शासक बने, इंद्र बने और अपने पुत्रों और देवताओं की सहायता से उन्होंने संसार का राज्य संभाला। यहाँ पर शिवप्पा जी का तात्पर्य ओम ज्ञान ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं कुरुतु वाचानं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहम्
గురు దీన కారణం. తో హమ్ శ్రీమద్ భాగవతం కే ప్రథమ స్కంద కా తీసరా అధ్యాయ యాని సమస్త అవతారం కే ఉత్సర్గ శ్రీ కృష్ణ ఉస్కే విషయ మే పఢ్ రహే హై. ఉస్ అవతార కే బాద్ ప్రథమ అవతార హమ్నే పఢ్ా సంత కుమార్ కా, द्वितीय अवतार नारद, सॉरी तो दूसरा कौन सा था, राहा, और तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल मुनि, और छठा कल हमने पढ़ा दत्तात्रेय, और आज पढ़ रहे हैं यज्ञ अवतार. तो हमने देखा अभी तक तीन चार अवतार ऐसे आए भगवान के जो केवल उपदेश दिए, है ना, उपदेश दिए कि किस तरह से आपको जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से विग्रह सेवा करनी है और यज्ञ ध्यान सांख्य योग इत्यादि, मतलब उपदेश ये कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए. परंतु इस बार जो भगवान का अवतार प्रकट हुआ है उनका नाम है यज्ञ. यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया मानो, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने राज्य भार को संभाला, मतलब इंद्र का पदवी स्वीकार करके स्वर्ग राज्य किया, स्वर्ग में राज्य किया इंद्र का पद. अब ये बात हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है संसार में, यूनिवर्स में कोई भी, तो उसका समाधान जब कोई नहीं कर पाता है तो कौन करता है, कौन खड़े हो जाते हैं, भगवान विष्णु. तो स्वयंभू मनों के समय में इंद्र बनने के लिए कोई भी नहीं था. अब इंद्र बनने के लिए कोई भी नहीं था इसका क्या मतलब है कि देखो इंद्र एक पदवी है, एक पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए योग्यता चाहिए. अब अगर किसी के पास भी योग्यता नहीं है तो ये कैसे है? देखो मान लीजिए इलेक्शन हुआ भारत में, रिजल्ट में तो ना तो कांग्रेस ने मैक्सिमम वोट उठाए और ना ही बीजेपी ने. बीजेपी ने, मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स आता नहीं है लेकिन जो समझ में है वो बता रहे, मतलब इलेक्शन हुए और दोनों पार्टीज के वोट एकदम बराबर बैलेंस. जैसे टोटल सीट कितने चाहिए होते मानो, अगर टोटल सीट 542 पे चाहिए होते तो उसमें तो इसमें से जिसका मैक्सिमम होगा उसी का पार्टी का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा और जिसका कम होगा वो विरोधी दल माना जाएगा. अब मान लीजिए एक बार इलेक्शन हुए और दोनों का रिजल्ट इक्वल आया, समझो एक पार्टी के पास 271 और दूसरे के पास भी 271, इसका भी और मतलब पार्लियामेंट कब बनेगा जब किसी का ज्यादा होगा तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे. लेकिन अब दोनों का इक्वल हुआ तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो स्वतंत्र ग्रुप्स होते हैं ना उनसे वोट खरीद कर भी अपने वोट बना लेते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ हम आपको मंत्री पद दे देंगे. तो फिर क्या होते हैं कि वोट खरीदने पर भी ना ऐसे बैलेंस चेंज किया जा सकता है. लेकिन समझो खरीदने पर भी दोनों का सेम रिजल्ट आया, फिर मतलब उन्होंने भी उतने खरीदे, उन्होंने फिर भी बराबर कहा गया, फिर क्या होगा मानो, फिर री इलेक्शन हो सकता है ना, वापिस इलेक्शन हो. परंतु जब तक री इलेक्शन चलेगा तब तक अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या फिर कौन व्यवस्था संभालेगा, जानते हो कि जो राष्ट्रपति है ना वही सहायता करेगा, ये वो सिचुएशन है. अब यहाँ पर क्या है कि भगवान इंद्र इंद्र पद भी संभालने के लिए कोई भी नहीं है, जैसे रूल करने के लिए कोई भी नहीं है तो राष्ट्रपति शासन उसको बोलते हैं, तो उसी तरह से इंद्र की पदवी को संभालने के लिए कोई नहीं था तो भगवान स्वयं नीचे उतरे और यज्ञ अवतार लेकर इंद्र की पदवी को स्वीकार किया. तो यहाँ तक समझते हैं कि इंद्र की पदवी को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने स्वयं यज्ञ का अवतार लिया और इंद्र की जगह पर शासन करना शुरू किया. अभी ये कब हुआ था इसके विषय में
कुछ चर्चा करेंगे। ये क्या है जानते हो? यूनिवर्सल पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति। अब यहाँ की भौतिक राजनीति की अपने ना कंट्री, अपने मुल्क के हिसाब से सब कोई राजनीति में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होता है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, इसके विषय में जानने का कितना उत्सुक होते हैं। और नहीं जानते तो उनको बोलते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, अपने मुल्क में क्या हो रहा है अपडेट्स नहीं पता। तो फिर है ना, अब वास्तव में ये तो रोज रोज बदलता है, लेकिन हमारा जो विश्व राजनीति है वो कैसे चेंज होता है उसके विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये जो राजनीति है जिसको विश्व राजनीति कहते हैं, ये भी भारत की राजनीति के जैसा ही है। क्योंकि अब हम जैसे साधारण भक्तों को भले विश्व राजनीति में पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं हो, लेकिन आज तो ये कार्यभार हमारे भगवान संभाल रहे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत तो हमें जानना ही चाहिए। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व का व्यवस्था कैसे भगवान करते हैं, विश्व की व्यवस्था कैसे चलाते हैं। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ मेटेरियल यूनिवर्स, ये पहले क्रिएटर तो भगवान से हुआ है सब, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है और ब्रह्मा जी से ही सृष्टि का सृजन होता है। तो उनकी आयु जानते कितनी है? उनकी आयु 100 साल। इसको हमने डिस्कस किया है कि कैसे 100 साल है, यानी अगर मैं आपको संक्षिप्त में ये बताऊं कि इस पृथ्वी में 4 अरब 30 वर्ष जब गुजर जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 30 करोड़ दिन के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरता है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी संसार में कोई भी यूनियन जितने भी जीव हैं, उनकी आयु 100 साल ही होती है, सबकी 100 साल की आयु होती है। लेकिन समय की अवधि परिवर्तित होती है, सबकी समय की अवधि परिवर्तित होती है। इसे अब देखो, मनुष्य जीवन में भी आपको 100 साल मिले, ठीक है। अब त्रेता युग में, द्वापर युग में, क्योंकि अवधि डे टाइमिंग जो है ना वो चेंज थी, वो सही एज इट इज है ना, उनका एज वही होता है, 100 साल ही होता है। जैसे हम देखते ना, अब देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 6 महीने के बराबर होता है। 6 महीने जब यहाँ पर गुजरते तो देवताओं का एक दिन होता है, और ना उसके कैसे होते हैं ब्रह्मा जी के संसार, हमारे संसार में 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के बाद एक दिन है ना ब्रह्मा जी का गुजरता है। तो उसी तरह कुछ कुछ है ना कि पतंगे कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी आंखों के सामने उदय होते हैं, उनका जन्म होता है, हमारी आंखों के सामने बड़े होते हैं, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, और उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके लिए वो 100 साल है, परंतु उनका समय अवधि इतना थोड़ा होता है कि मतलब इस तरह फास्ट गुजर रहा होता है कि उनके 100 साल इसी समय में बीत जाते हैं। तो जैसे मनुष्य 100 साल के बाद मर जाते हैं, यानी अब तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ता है तो अवधि कम हो रही है क्योंकि समय इतना फास्ट गुजर रहा है और जल्दी से समय टाइम खत्म करके जी जा रहा है। तो 100 साल के बाद जीव मनुष्य की भी मृत्यु होती है और 100 साल के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। इसका थोड़ा आइडिया हम यहाँ पर लगाएंगे कि ब्रह्मा जी के हर दिन के 12 घंटे के बाद रात्रि होती है, ठीक है, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, समझने की बात है। दिन के 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। अब रात के 12 घंटे में सोते हैं, कुछ भी नहीं होता, ब्रह्मा जी सो जाते हैं और एक प्रलय हो जाती है, समझो, प्रलय होती है सोने के टाइम पर। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, 12 घंटे हैं उनके पास, 12 घंटे बहुत विशाल होते हैं, बहुत बहुत विशाल होते हैं, और उसके 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। अब वो मनु कौन होते हैं? वो कभी कभी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं और कभी कभी और अन्य होते हैं, मनु होते हैं टोटल 14, ठीक है। अब एक मनु की आयु 71 दिव्य युग है, उनमें से देखो टोटल 14 मनु है ना, उनमें से एक मनु की आयु कितने, 71 दिव्य युग। दिव्य युग क्या होता है मालूम? एक युग मतलब एक युग के अंदर
जो चार युग होते हैं ना, जैसे सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता, ये चतुर्युग इसको कहते हैं। ये चार युग जब मिल जाते हैं तो इसको चतुर्युग या एक दिव्य युग कहते हैं। ठीक है, तो एक मनु की आयु कितनी है? 71 चतुर्युग। आप इसको समझ जाइए, आप लोग खुद ही है ना मल्टीप्लाई इनटू कर देना। ठीक है, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। 4,32,000 इंटू 2 इज द्वापर युग। ठीक है, और त्रेता युग कितना है? 4,32,000 इंटू 3। और सतयुग कितना है? 4,32,000 इंटू 4। ठीक है, फिर ये जब इन सबको यदि हम 71 इंटू 71 करेंगे तो क्या होगा? ऐसे एक मनु की आयु होगी, यानी एक मनु की आयु क्या है? 71 दिव्य चतुर्युग। ठीक है, ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। समझ में आ रही बात? अब रात्रि के समय क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। अभी ये देखो कैसे है कि अगर रात्रि नहीं होती ना, फिर तो कंटिन्यू होता रहता होता रहता होता रहता, तो नहीं समाप्ति तो है ना। तो 71 चतुर्युग के बाद जब रात्रि होती है तो सब खत्म हो जाते हैं, और सुबह ब्रह्मा जी वापस से उठते हैं और फिर वापस से सृष्टि सृजन करते हैं। ये अब प्रलय एक नहीं होती, ये बात भी समझनी है कि प्रलय कई बार होती है। ठीक है, एक तो हमारी जब मृत्यु होती है तो उसको भी प्रलय कहते हैं, यानी कि हमारा तो अंत हो गया ना एक जन्म का। उसके बाद कभी कभी युग के अंत में भी प्रलय होती है, एक युग के अंत में भी प्रलय होती है, लेकिन वो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी बताते कि वो हर दफे नहीं होता है, यानी कि ये नक्की नहीं किया जाता है कि हर दफे युग के अंत में प्रलय, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। और दूसरा प्रलय कब होता है? मनवंत्र की बदलने पर, यानी एक मनवंत्र जब चेंज होता है तो फिर प्रलय होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंत्र होते हैं, तो समझो ब्रह्मा के एक दिन में 14 दफा प्रलय भी होती है, ये मनवंत्र वाली प्रलय होती है। तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो उनकी आयु समाप्त हो जाती है, ऐसे भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में 8.16 में, आधम भुवनालोका पुनरावृति नोषण, कि ब्रह्मा भले कितनी ही बड़ी आयु क्यों न रखते हो परंतु वहां पर जाने के बाद भी तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी समाप्त हो जाएंगे तो तुम्हें कहाँ रखेंगे, तब उनका लोक भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी देखो टोटल कितने मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14 मनु होते हैं ना, तो अभी तक 6 मनु जा चुके हैं, 6 मनु हो गए हैं, और अभी कौन सा मनु चल रहा है? 7वां मनु चल रहा है। देखो हमारा मनु है, इसके बारे में तो कम से कम हम पता होना चाहिए ना। तो अभी जो 7वां मनु चल रहा है ना, तो उनका नाम क्या जानते हो? उनका नाम है वायवस्वता, वायवस्वता मनु। ठीक है, और वायवस्वता मनु इनके पुत्र का नाम जानते हो क्या है? हाँ, हमने भगवत गीता में पढ़ा था 4.1 में, क्या नाम है उनका? इमं विवस्वते योगं विवस्वान। ये पहले, ये जो 7वां मनु है उनके पहले पुत्र का नाम है विवस्वान। ऐसा आपको पता है ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल। ठीक है, अभी उनका कौन सा साल चल रहा है, कितने इयर्स हो चुके हैं उनकी लाइफ के? अभी देखो 7वां मनु चल रहा है ना, तो समझो बीच का चल रहा होगा। कैसे? अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, 51 साल, ये 51वां साल का पहला मनु ये चल रहा है। अब पहले मनु में क्या है, देखो 12 घंटे में 14 मनु होते हैं ना, तो पहला मनु 51 साल का पहला दिन, और पहले दिन में पहला मनु, और पहले दिन में पहले मनु के टाइम पर ही उनको इंद्र नहीं मिल रहा था, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इंद्र बने। समझ में आया? ये मनु जब स्टार्ट हुआ, जैसे ये मनंत्र स्टार्ट हुआ ना, तो उससे पहले कौन सा था? स्वरतिस मनु जब चेंज हुए थे और व्यवस्थित मनु का जब शासन स्टार्ट हुआ था, उस समय प्रलय आया था। याद है आप सबको, प्रलय आया था प्रियव्रत महाराज के समय जब मत्स्य अवतार हुआ था। तो एक मनु की आयु कितनी जान बताई ना मैंने आपको? 71 चतुर्युग, 71 दिव्य युग मनु की आयु होती है,
और 71 दिव्य युग में से अभी कौन सा योग चल रहा जानते हो? अभी 27वां चल रहा है। टोटल 71 होते हैं और अभी 27वां चल रहा है। सृष्टि की शुरुआत में जिन लोगों ने बहुत बहुत सृजन में ब्रह्मा जी का साथ दिया उन्हें प्रजापति कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि को उत्पन्न करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी को, अब क्योंकि ब्रह्मा जी भी उत्पन्न करते हैं ना, प्रजापति का मतलब होता है प्रजा को उत्पन्न करना और उनका पालन कार्यभार संभालना, तो ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहा जाता है। ये मूल प्रजापति है, पहले ब्रह्मा जी से, अब दूसरे प्रजापति कौन से है? जैसे दक्ष है और गौतम, कर्दम, वरिहस्त और आज हम पढ़ रहे हैं रुचि प्रजापति के विषय में। तो ये अनेक हैं, बहुत सारे हैं और उनका काम क्या है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में, यानी सृष्टि की सृजन में ब्रह्मा जी की हेल्प करना। सबसे पहले उन प्रजापति को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी से दो लोग निकले। अब ब्रह्मा जी के ही अंग में से दो जीव निकले, दो, एक उसमें से स्त्री और एक पुरुष। अब ये ब्रह्मा जी में से निकले हैं, ठीक है, उनमें से एक का नाम शत्रुपा और उनके जो पुरुष थे उनका नाम क्या था? मनु, ठीक है। वास्तव में ये मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से आए, लेकिन जैसे सृष्टि करनी थी ना, तो इस तरह से जैसे हम माता पिता के गर्भ से आते हैं तो भाई बहन होते हैं, लेकिन उनकी सृष्टि ऐसी नहीं थी, माता पिता के गर्भ से नहीं हुई थी। जैसे दाएं अंग से, जैसे अंग होता है उसमें से पुरुष का अवतार हुआ मनु का, और बाएं अंग में से स्त्री का अवतार हुआ, फिर इन यानी शत्रुपा और मनु का, तो इन दोनों का विवाह करवाया गया और इन दोनों ने प्रजा की उत्पत्ति शुरू की। अब ये क्योंकि ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनका अगर भौतिक दृष्टि से हम बोलते हैं ना, कोई कोई बोलेगा कि हम ये तो फिर भाई बहन हुए, तो फिर इस तरह तो हम सब ब्रह्मा जी के संतान हैं, तो हम सभी ब्रह्मा जी के इनडायरेक्ट संतान है ना। लेकिन क्योंकि इनका दिव्य प्राकट्य हुआ था और हुआ ही इस कारण से था कि सृष्टि का सृजन करना था, तो अब मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यज्ञ तक पहुँचना है, जो आज यज्ञ का उत्पन्न हुआ है ना, उन तक पहुँचना है। पेट की नहीं पता होगा तो फिर यज्ञ तक कैसे पहुँचेंगे? तो क्या हुआ कि मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए, 2 बेटे और 3 लड़कियां। 2 पुत्र कौन थे जानते हो? देवव्रत और उत्तानपाद। और 3 लड़कियां कौन थी? देवहूति, प्रसूति और आकुति। अब इन 3 लड़कियों का विवाह 3 प्रजापति के साथ हुआ। मैंने आपको बताया था इससे पहले, हमने कपिलदेव का अवतार पढ़ा था, उसमें देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की फिर 16 बेटियां होती, उनमें से 13 की का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कराया था, 1 का विवाह अग्नि के साथ और 1 पुत्री का विवाह शिव जी के साथ, सती का विवाह शिव जी के साथ किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, शिव जी वो दक्ष प्रजापति ने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया था, फिर वो जलकर उसमें यज्ञ कुंड में भस्म हो गई थी, फिर ये सारी जंजर मारी, ये जो हम आगे चल के पढ़ेंगे उसके विषय में। तो देवहूति की 9 बेटियां हुई थी, है ना, 1 कर्दम मुनि को दे दी थी, कौन नहीं, क्षमा कीजिए, देहूति और कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई थी, उन्होंने अलग अलग ऋषियों के साथ उनका विवाह किया था। अभी हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास क्या हुआ, देखो 3 बेटियां हुई थी ना, किसकी, 5 संतान हुए थे महाराजा मनु के, ठीक है, 3 बेटियां थी, उसमें से 1 देहूति कर्दम मुनि को दी और अप्रसूति किसको दी, दक्ष प्रजापति को। अभी बची कौन, आकुति बची ना, तो आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। आकुति का विवाह किसके साथ हुआ, रुचि। आज का श्लोक जहाँ पर अब हम वहां पर पहुंचे, ठीक है, तो आज के श्लोक में जैसे हमने पढ़ा, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञो भ्यजायत, तो
सातवां जो अवतार था रुचि और आकृति के गर्भ से यज्ञ के नाम से उत्पन्न हुआ। ठीक है, पहुंच गए यहाँ पर कि स्वयंभू मनु यानी 51 जो ब्रह्मा जी का 51वां साल है और उसका पहला मनु है स्वयंभू मनु और उसमें रुचि और आकृति के गर्भ से एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम यज्ञ जो स्वयं नारायण भगवान है और बेटी का नाम जानते हैं क्या है? दक्षिणा, जो कि स्वयं लक्ष्मी महारानी है। अब यहाँ पर एक विडम्बना है, ये है कि एक ही माता पिता की संतान है लक्ष्मी और नारायण जो कि चीर संगी है। सामान्य रूप से हम मनुष्य में क्या होता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले जी बाल बहन होते हैं और उनका विवाह नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। ये कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 4 में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण की चिर संगनी है। यहाँ पर ये बताया गया है कि विष्णु तथा लक्ष्मी आकृति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने ये पुष्टि की है कि विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार हम भौतिक सृष्टि में अपने कर्मों के अनुसार संसार में आते हैं और कर्म भोगने होते, ऐसा नहीं है। ये नारायण है, ये विष्णु है, नारायण परो व्यक्ता, ये बहुत परे हैं, जो भौतिक सृष्टि का अंग नहीं है। वो कार्य करने के लिए आते हैं, लेकिन अब भौतिक सृष्टि में आने के बाद भी लक्ष्मी और नारायण का सिर संबंध नहीं बदला जा सकता। यह हमें जानना पड़ेगा, जैसे हम बद्ध जीव हैं, तो एक जन्म खत्म हो जाता है तो दूसरे जन्म में जो हमारी बहन होती है वो कभी माँ बन जाती है, जो स्त्री होती है वो कभी बहन बन जाती है, जो माँ होती है वो कभी स्त्री बन जाती है, और इसी तरह से जो पुरुष होता है कभी स्त्री बन जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा किसी के साथ कोई शाश्वत संबंध नहीं है। ये बात हमें जान लेनी है कि हम सिर्फ कर्मों के अनुसार किसी के साथ कोई भी रिलेशन है हमारा, वरना तो किसी के साथ हमारा किसी भौतिक व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इवन एक आत्मा का दूसरी आत्मा से भी कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा का रिश्ता जैसे एक हमारी एक फिंगर का दूसरी फिंगर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जैसे अंश है मेरे हाथ का मेरे पाँव के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरे सारे शरीर का जैसे अंग है ना, उसी तरह से भगवान के साथ पूरा भगवान के साथ सारे भगवान के जितने अंश है उनका रिश्ता है, लेकिन भौतिक में मटेरियल में किसी भी आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो क्योंकि लक्ष्मी और नारायण पर ये भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं, तो आगे चल के लक्ष्मी और नारायण यानी ये जो यज्ञ है आकृति और रुचि के दोनों संतान यज्ञ और दक्षिणा, इन दोनों का विवाह होता है। इनके 22 लड़के होते हैं, सॉरी 12 लड़के, हाँ 12 लड़के होते हैं। और सामान्य रूप से आदर्श पति पत्नी पति पत्नी का जो होता है सदैव सुखी वही रहते हैं। अगर कोई सदैव सुखी होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, यानी कि लक्ष्मी और नारायण चिर संगी, यानी कि जो आपस में पति पत्नी है वो प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, पत्नी सदैव पति की सेवा करती है, उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, और पति सदैव अपनी पत्नी की विशेष को पूरा करते हैं और उनके ना पूरा उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चाणक्य नीति कहती है यदि पति और पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहते हैं तो धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी सदैव उसका में वास करती। लेकिन यदि घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते, पति अपनी संतुष्टता के लिए अन्य जगहों पर
आशा रखता है या पत्नी पति से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर लक्ष्मी की कृपा उस घर में कभी नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए, संतुष्टि कभी भी नहीं आती है उस घर में जो पति और पत्नी आपस में संतुष्ट नहीं होते। अरे तो यहाँ पर समझ में आया कि जब कभी भी मनो बदलता है तो मनो बदलने पर, जब एक मनमंत्र चेंज होता है तो उसके बदलने पर पूरा सिस्टम चेंज होता है। जैसे इलेक्शन के बाद सारी पार्लियामेंट यानी सब मंत्री प्रधानमंत्री सब बदल जाते हैं, उसी तरह जैसे ही मनु बदलता है, इंद्र बदलता है, देवी देवता बदलते हैं, गंधर्व लोक ऋषि सप्तऋषि सब बदल जाते हैं। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति के बेटे यज्ञ जब जिस समय अवतार लिए थे उस समय सब बदल रहे थे, तो इंद्र की पदवी संभालने के लिए कोई नहीं था, तो फिर यज्ञ ने अपने नाना के राज्य को संभाला। अब इसलिए नहीं संभाला कि वो नाना है तो नाना का है, क्योंकि वो भगवान अवतार लेकर आए थे और क्योंकि कोई भी योग्य पुरुष नहीं मिल रहा था तो उन्होंने इंद्र की पदवी संभाली और इसके लिए उनको क्या बनना पड़ा, इंद्र बनना पड़ा। और क्योंकि क्यों किया ऐसा, क्योंकि इंद्र होंगे तभी तो सृष्टि का संतुलन चलेगा, तभी तो सृष्टि जो है वो सही तरीके से कार्य करेगी। देवता अपना अपना कार्य करेगा, वरना तो देवताओं के ऊपर कोई संतुलन नहीं होगा तो सूर्य समय पे उगेगा नहीं, चंद्र समय पे आएगा नहीं, वरुण और ये वायु देवता ये सब अपने कार्य सही तरह से नहीं करेंगे, कोई तो कंट्रोलर होगा ना देवताओं के ऊपर। तो ताकि सृष्टि का संतुलन चलता रहे इसलिए भगवान ने इंद्र की पदवी स्वीकार की। और उस समय एक और भी प्रॉब्लम हो गई थी कि इंद्र न होने के कारण कुछ असुर लोग आकर स्वयंभू मनु के शासन को बिगाड़ रहे थे। अब वो कौन थे उनका नाम नहीं पता चला, कौन से बदमाश थे वो असुर जो है वो आके स्वयंभू मनु के शासन को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो फिर भगवान यज्ञ ने आकर उन असुरों को मारकर मनु महाराज के इस राज्य को संभाला। इस प्रकार से भगवान यज्ञ ने अपने 12 पुत्रों के द्वारा गंधर्व इत्यादि देवताओं को बनाया, सप्तऋषि यम असुर कुमारों को और असुरों को मारकर अपने नाना जी के राज्य को निष्कंटक किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, अब वो यज्ञ जो है वो इंद्र बने, अब इंद्र के बाद सारे देवता चाहिए होंगे तो सारे देवताओं को बनाया, अब मतलब उत्पन्न किया और उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए ना, उनसे ही सारा ये सृष्टि का कार्य, सप्तऋषि भी बने और उसके बाद वो खुद जो थे वो इंद्र की पोस्ट पर बैठे थे और कई सालों तक ये इंद्र का पदवी भगवान ने संभाला। इस प्रकार ये भगवान ने 7वां अवतार यज्ञ के रूप में लिया। समझ में आया उन्होंने क्या कार्य किया, देवताओं की उत्पत्ति की और जो भी है ना सप्तऋषि या इत्यादि को उत्पन्न किया और जो भी सृष्टि की डिस्टर्बेंस जो सृष्टि में हो गया था उस सारे को बैलेंस किया। कई बहुत सारे सालों तक जो अवतार चला, इसे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपने अनेकों तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ की अधिष्ठाता यानी यज्ञ के असली भोक्ता कौन है जानते हो, यज्ञ सारे यज्ञों का भोक्ता यज्ञपति स्वयं भगवान ही है ना। और यज्ञ भगवान का नाम है, यदि हमने अभी तीसरे अध्याय में पढ़ा था यज्ञ अर्थात कर्म होना लोकोयम कर्म मंदना और यज्ञ शिष्टाचरण संतो, तो श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया था कि यज्ञ भगवान का एक अवतार भी है, तो ये भगवान का अवतार है यज्ञ और सारे यज्ञों का भोक्ता भी यज्ञपति स्वयं भगवान है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो इन सारी चीजों को सीखे समझे, अगर सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं कि यज्ञ का भोक्ता भगवान किस तरह है, भगवान ने कैसे कार्य किए, सब भगवान के लिए ही सेक्रीफाई करना है। हम जो भी यज्ञ करते हैं वो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान साक्षात यज्ञ है। अगर हम ये नहीं समझते तो फिर कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना समझ आया उतना मैंने प्रयास किया। अब जब रियल में चौथे अध्याय में इसके विषय में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चौथे स्कंध में, तो हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।